हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रिया पूस किचन में। तो आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं, इस रेसिपी के आगे पनीर वगैरह हर चीज़ फेल है। तो इस रेसिपी को पूरी देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं ये बहुत ही कम चीज़ों से और फटाफट से बन के तैयार होगी। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और रक्षाबंधन के लिए तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बाउल में 1 चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला और 1.5 चम्मच के लगभग में धनिया पाउडर, और इसे हम पानी डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें बस हल्का सा पानी डालना है और इसे ऐसे चम्मच से मिक्स करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा पानी और हम मिक्स करेंगे और इस मसाले को अच्छे से मिलाएंगे और मिला के इसे हम ढक के साइड में रख देंगे। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कढ़ाई में लिया है ऑयल और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे फ्रेंड्स हमारी सीक्रेट सब्जी सूरन। सूरन को मैंने बहुत ही बारीकी कट करके लिया है, आप देख सकते हैं। हमें इतना ही छोटा छोटा सूरन को कट कर लेना है और फिर हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, 3 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे फुल फ्लेम पे। तो ये देखिए, हमारा सूरन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो जब ये फ्राई हो जाए उसके बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ फ्राई कर लेंगे एक आलू को मैंने छोटा छोटा कट करके ले लिया है। आप आलू स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे सूरन नहीं खाते इसलिए मैंने एक आलू भी उसमें डाला है। तो ये देखिए, आलू को भी मैंने 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है और इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट पे। तो फ्रेंड्स, इसी तेल में अब हम डाल देंगे जीरा, 1 चम्मच जीरा डालेंगे। उसके बाद 2 तेज़पत्ते और 2 लाल मिर्च सूखी, और उसके बाद इसे हम चला लेंगे और इसमें डाल देंगे हम 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, जिसे मैंने ऐसे ही लंबे लंबे काट लिए हैं, बहुत हमें बारीक नहीं करना है। और उसके बाद 5 से 6 हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक कट करके लिया है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में बहुत तामझाम नहीं है, बहुत अच्छे से और बहुत इजीली बनके तैयार हो जाती है, हमें मसाले भी पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने 4 से 5 प्याज लिया था और इसे हम बारीक कट करके ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना है, इसी से इस सब्ज़ी का टेस्ट आएगा। तो आप प्याज डालने में कंजूसी बिल्कुल ना करिएगा। तो ये देखिए, यहाँ प्याज को अच्छे से चलाते हुए हम इसे भून लेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक फ्रेंड्स हम इसी में डाल देंगे जो भी हमें डालना है। नमक डालने से क्या होगा कि हमारी जो प्याज है ये अच्छे से गल जाएगी और बहुत ही जल्दी कुक होके तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों के लिए मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है, सरसों के तेल का। अगर आप चाहें तो कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी का टेस्ट सरसों के तेल में ही आता है, तो आप हो सके तो इसी में बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, अब ये मसाले हम डाल देंगे प्याज में। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है तो इन मसालों को हम डाल देंगे प्याज में और इसे अच्छे से भूनेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, मसाले डाल के और अच्छे से चलाएंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर मेहमान आने वाले होते हैं या फिर कोई त्यौहार हो और हमें कुछ समझ में ना आए क्या बनाए, पनीर हमेशा बना बना के बोर हो गए हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी के आगे पनीर, नॉनवेज, हर चीज़ फेल है क्योंकि ये रेसिपी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। तो आप इसे ट्राई करिएगा। तो ये देखिए, यहाँ मसालों को मैंने भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टमाटर कटा हुआ बारीक और इसे भी चला लेंगे अच्छे से, और इसे ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें जो टमाटर हमने डाले हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और हम इसे ऐसे चला के थोड़ा सा मैश कर लेंगे टमाटर को। और उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये सूरन जो हमने फ्राई किया था, और सूरन डालने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू को भी हम डाल लेंगे और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ में, और कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हम मसालों के साथ में इन्हें भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत फटाफट से बनके तैयार होती है। तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर पे, और इसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो आप बना के देखिएगा, आपके भी बच्चे इसे ज़रूर पसंद करेंगे।
ये देखिए यहाँ मैंने फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें डाल देंगे 2 छोटे गिलास पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, यहाँ मैंने 2 छोटे गिलास से ही डाला है। और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे हम ढक के कुक होने देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी जो है वो जो हम डाले हैं वो सब पक जाए और हमारे सूरन थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो गई है और सर्व करने के लिए रेडी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया पत्ता और इसे भी हम चला लेंगे। और इसे चलाने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और अब हम चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना लाजवाब और कितना बढ़िया हमारा रेसिपी बनके तैयार हुआ है। तो इसे हम सर्व कर लेंगे। अब ये देखिए कितना परफेक्ट और कितना टेस्टी सा बनके तैयार हुआ है हमारा ये सब्जी। ट्रस्ट मी, ऐसी सब्जी आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी, तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।